नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यश सिटी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। जैसे कि आप लोग BPSC 2.0 के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार बहुत बेसब्री से आप लोग कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि शिकायत पोर्टल का रिजल्ट आएगा। अगर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा तो क्या वो मल्टीपल होगा या मल्टीपल नहीं होगा, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक जो जानकारी हुई है कि मल्टीपल रिजल्ट पहले आएगा कि शिकायत पोर्टल का आएगा, तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो भी जानकारी है कि पहले आयोग जो है वो शिकायत पोर्टल का रिजल्ट जारी करेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि 3 से 13 के बीच में आप लोगों को कोई दिक्कत थी तो वहां पे आप आयोग को शिकायत कर सकते थे। तो ऐसे में आयोग पहले इस बात को देखेगा कि क्या सचमुच कहीं किसी स्टूडेंट के साथ हमने गलती कर दिया है, क्या कोई कमी कर दी है, तो पहले उसको चेक कर करके उसका रिजल्ट पहले घोषित करेगा। फिर उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात होगी। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो है जैसे 17-18 तारीख जो भी है आज हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका 26 जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। बात यह है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल आएगा क्या मल्टीपल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है जैसे कोई भी स्टूडेंट जो है तीनों ग्रुपों में पास है, यानी 11th 12th या 9th 10th या 6 से 8 में, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें एक ही वर्ग में नौकरी वहां पे दी जाएगी। तो ऐसे में जो बड़ी एग्जाम होंगे यानी बड़े क्लास के होंगे यानी 11th और 12th में, तो उसी के आधार पर उसकी वैधता का निर्धारण किया जाएगा। यानी इस बार जो है मल्टीपल रिजल्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। यानी जो भी आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जितनी भी सीट आएगी, जैसे बताया गया कि 14,000 से ज़्यादा आएगा या 20,000 आएगा या 30,000 आएगा, जो भी उनकी इच्छा होगी देंगे, तो ऐसे में वहाँ मल्टीपल रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। और हर कैंडिडेट जो है भले 3 जगह सेलेक्ट रहेगा, लेकिन आयोग खुद उनको एक जगह सेलेक्ट करके देगा ऊंची क्लास के हिसाब से। तो ये थी जानकारी, और जो भी हमें जानकारी मिली थी वो आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का थोड़ा सा और इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके पहले जो भी हमें जानकारी मिली है कि शिकायत पोर्टल का ही रिजल्ट आप लोगों का अभी जारी किया जाएगा और मल्टीपल रिजल्ट इस बार नहीं आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के को लेकर के। जो भी जानकारी होगी हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।